हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। एंड आज हम श्रीनगर से धारी देवी आए हैं घूमने के लिए। सो ये ब्लॉग मेरा धारी देवी के ऊपर है। सो देखिए, आपको अगर धारी देवी आना हो तो श्रीनगर से आपको गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर है धारी देवी। तो श्रीनगर में हमने नाइट स्टे किया था कल को, तो वहीं थे। तब आज सुबह का जाने का प्लान था हमारा, तो आज जा रहे हैं तब धारी देवी। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। धारी देवी मंदिर अलकनंदा नदी के ठीक बीचों बीच में है। और ये जो पानी देख रहे हो आप, ये डैम का पानी रोका गया है पूरा। पहले का जो मंदिर था वो अलकनंदा नदी के किनारे था, और एक चट्टान के ऊपर था। और अब का जो मंदिर हो पानी के ठीक बीचों बीच है। देवी काली को समर्पित ये मंदिर धारी देवी का। मान्यता ये है कि ये मंदिर चारों धामों की रक्षा करती है और धारी देवी को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षा देवी माना जाता है। ये जितना भी जलस्तर आप देख रहे हैं ये सब डैम का रुका हुआ पानी है पूरा। एक और बात, अगर आप धारी देवी आए हो तो अपने प्रसाद को पक्का बंदरों से बचाएं। हमारा एक प्रसाद बंदर उठा के ले गया, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है हमको। अपना प्रसाद तो पहले बंदरों से पक्का बैठा के रहें। हम आपको पहले ही सूचित कर रहे हैं कि आप यहाँ आ रहे हो प्रसाद लेके धारी देवी में, तो बंदरों से पक्का बचाए इस प्रसाद को, वरना उड़ा के ले जाएंगे टाइम से पहले। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ में माता की मूर्ति बह के आई थी। मूर्ति धारो गांव के पास एक चट्टान से टकरा कर रुक गई। उस मूर्ति से आवाज़ निकली जिसने गांव वालों को इस जगह पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद गाँव वालों ने मिल के माँ का मंदिर बनाया। पुजारी लोग की जो मान्यता है वो ये मानते हैं कि जो धारी देवी की जो प्रतिमा है वो द्वापर युग से है। यहाँ देखिए बड़ा ही सौंदर्यमय दृश्य नज़र आता है ऊपर से धारी देवी मंदिर का पूरा। देखिए पानी में रिफ्लेक्ट पड़ रहा है सब कुछ। अब ये नया मंदिर बन रहा है ये वाला, इसके बगल में है जो राइट साइड में वो है पुराना मंदिर जिसके ऊपर लाल छतरी क्या लगी हुई है, वो पुराना मंदिर है। ये नया मंदिर बन रहा है। ये दुकानें हैं छोटी मोटी, ये ऊपर मुख्य द्वार से ये दुकानें आपको मिल जाएंगी नीचे के लिए। ले 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 ले, ये प्रसाद की दुकान है, हमने प्रसाद ऊपर से ही ले लिया था। बस अब अंदर जाने की देरी है। बिना मास्क प्रवेश निषेध, ध्यान रखिए इस बात का। तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। ये पूरा मंदिर देखिए बिमो के ऊपर है पूरा का पूरा। नहीं भी होंगे तो लगभग 100-150 बिम तो होंगे ही कम से कम। जब श्रीनगर का डैम को बनाया जा रहा था तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी का वो होना था, क्या स्टोरेज होना था। तो उस वजह से जो पुरानी धारी देवी थी वो एक चट्टान के ऊपर बनी हुई थी, तो उन्होंने चट्टान तोड़ी और उस टाइम इस धारी देवी मंदिर को यहाँ से स्थापित कहीं और करना था और हटा दिया था वहाँ से। तो 13 जून शाम के 5-6 बजे के आसपास मंदिर को हटाया गया था। और आपको तो पता ही है उसी साल 13 जून में शाम को मंदिर को हटाया गया और रात को 13 जून को आपदा आ गई थी केदारनाथ में, बहुत बड़ी त्रासदी। तो इस वजह से मंदिर को पुराने स्थान पर स्थापित किया गया पिलरों के ऊपर। जो पहले चट्टान के ऊपर मंदिर था वही चट्टान को काट कर इन पिलरों के ऊपर रखा गया, यहीं उसकी स्थापना दोबारा की गई कि ताकि जो त्रासदी हुई थी दोबारा आगे कभी ना हो। यही है वो चट्टान, देखिए इसी चट्टान पे जो धारी देवी जी की मूर्ति है वो स्थापित है, अभी भी चिपकी हुई है, मतलब वो तीनों मूर्तियाँ। यहाँ से अंदर कैमरा जाना बंद हो जाएगा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि कैमरा यहीं पर तक ही अलाउड है बस। ये इधर पुल है, पुराना पुल है ये, अब इसमें काम चल रहा है, इसको रेनोवेट किया जा रहा है। देखिए पहले भी पुल यहीं पे था, ये भी पुल यहीं पे है, कहीं नहीं गया। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने आज को मंदिर के अंदर महसूस की थी।
धारी देवी की मूर्ति के साथ। और ये मान्यता भी है और ये सच भी है, चमत्कार है एक टाइप का। इस मंदिर में मौजूद माँ धारी देवी की जो मूर्ति है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह को एक कन्या के रूप में रहती है, दोपहर में एक महिला के रूप में दिखती है और शाम के टाइम पे एक बूढ़ी महिला की तरह दिखती है, ऐसा महसूस होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि पहले लोग इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए इस केबल का इस्तेमाल करते थे, इस वाली केबल का, इसी में लोग पहले बैठ के जाते थे, अपना जितना भी सामान सामान है घर वर का इसी में लेके जाते थे पहले, यहाँ से लेके उस पहाड़ तक पूरी केबल लाइन जा रही है उस तरफ। और एक बार नदी के उस तरफ टिहरी गढ़वाल आता है और नदी के इस तरफ श्रीनगर गढ़वाल जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है। यह पिलर देख रहे होंगे, जितनी ऊपर है इतनी गहरे नीचे भी जा रहे हैं पिलर उतनी की उतनी। ये देखो साफ कितना अच्छा सीन है फ्रेंड्स। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए, और अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर देना। बाकी मिलता है आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। ये है देखिए श्रीनगर डैम, इसी का पूरा का पानी स्टोरेज हो रखा है ऊपर धारी देवी तक, पूरा पानी स्टोरेज है इसका।